डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से, देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं, आज तक देश ने सिर्फ 22,000 टीएमसी ही इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होते होने लगते हैं? बिजली 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीजों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है, फिर क्या किया जा रहा है इस देश में? हर एक चीज में इकॉनमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल पेट्रोल खाद हर चीज का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है। और नीतियां, देश के रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा, कई प्राइम मिनिस्टरों ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, खड़े रहा भारत, लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी से संपर्क नहीं, विपक्षियों से कोई बातचीत नहीं, नीतियां बदल रहे मनमानी, उसका अंजाम क्या होगा? आज किस सेक्टर में आया है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम लोग, किल्लत है पूरे देश में। जहां किसी राज्यों ने प्रयास किया वहां जो कुछ भी हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहां तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आजादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में, दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता, कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा जाता है हर दिन। ये क्या हो रहा है? ये चीज ऐसे है, 8 साल यानी के मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियां क्या है साफ देश के सामने आ चुके हैं, उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार के नाकामियों के वजह से आज काफी नुकसान हुआ देश का हर सेक्टर में। साथ ही साथ जो राज्य काम कर रहे हैं अपने जगह अच्छा खड़े होकर काम कर रहे हैं, कुछ एक अलग नीति बना के फेडरल सिस्टम को पूरा खत्म करके, FRBM एक्ट में तोड़ मरोड़ करके, जो संसाधन मिलने चाहिए जो राज्यों के अधिकार में है उसके वो छीना जा रहा है। जो अपने आप विकसित होना चाहते हैं राज्य, जो जहां प्रयास हो रहा है उनको भी काटा जा रहा है। क्या वजह है इसका, क्या कारण है, कोई बताएंगे? जवाब है केंद्र सरकार के पास। एक तो ये है, विकास का कोई नाम ही नहीं, सिर्फ नाराबाजी है। कौन सा एक नारा जो सफल हुआ देश में, 222 तक हर गरीब का अपना मकान होगा, ये मोदी जी का खुद का वादा है, क्या सफल हुआ?
मिला सबको मकान, किसानों का आय डबल कर दिया जाएगा, किसानों का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लागत डबल हो गया, आय कहाँ डबल हुआ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर दिन रेप होते शवों के तादाद में, किस वर्ग का विकास हुआ, किसका रक्षा हुआ। और इसको, इन सब चीजों को छोड़ के एक दूसरी बहुत बड़ी खतरा बात, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जो धर्म की बात को लेके लोगों को भावुक बना करके अपने चिल्लर पल्लर राजनीति लब्धि के लिए सारे देश को टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये कहां तक सही है? इससे देश का कितना बड़ा खतरा बनेगा आगे चल के, देश का क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? हालात यहां तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए यह काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहां ले जाएगा अपने देश को? इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, कर्जा बढ़ गया, रुपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, किसी सेक्टर में सुधार नहीं आया, ना पीने का पानी मिला, ना सिंचाई का भरपूर पानी मिला, ना गरीबों का कोई अच्छा देखभाल हुआ, तो किसका लाभ हुआ, किसका फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ, और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के, सबसे बड़ा बात है मेक इन इंडिया। क्या है नतीजा मेक इन इंडिया का? हमारे बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं उसके मांजा तक चाइना से आता है, नाखून काटने का नेल कटर तक चाइना से आता है, शेविंग ब्लेड तक चाइना से आता है, राष्ट्रीय ध्वज भी हमारा तिरंगा चाइना से बनाया हुआ इंपोर्ट करते हैं, कहां गया खादी हमारा, हमारा बुनकरों का क्या हाल है, क्या हो रहा है? फिर मेक इन इंडिया किधर गया, उसका क्या नतीजा निकला? सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है, और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज, आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर, बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए, तभी देश फिर से कड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूँगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाएं।